ये रे दोस्तों, आज की दरला मंडी के अंदर पुराने लहसुन की आवकों की स्थिति सीमित ही है। ज्यादा आवक देखने को नहीं मिल रही है। पुराने लहसुन के अंतर्गत इस प्रकार की आवक हाल फिलहाल की स्थिति में देखने को मिली है। अब नए लहसुन की आवक और हम रुख करते हैं किस प्रकार की नई लहसुन की आवक आज मंडी के अंतर्गत हमें देखने को मिली है। दोस्तों आज कुछ आवक इसके अंदर ये इस प्रकार की हमें देखने को मिली है, जो कि आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दिन है आज का 21 जनवरी 2023 का, तो आज की स्थिति हम आवकों की इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। ये इस प्रकार की आवक अभी हाल फिलहाल फील्ड साइट के अंतर्गत हमें देखने को मिली है। दोस्तों ध्यान दें कि प्लेटफॉर्म के चारों तरफ मंडी प्रशासन ने चुना लाइन का विशेष ध्यान रखकर चुना लाइन बनाई गई है, तो इसका आप ध्यान दें और चुना लाइन के आउटटॉप एरिया में आप अपने लहसुन खाली ना कीजिएगा, ताकि आपको रिलामीकारी से सुविधा का सामना ना करना पड़े। कल भी इस प्रकार से आउटटॉप एरिया के अंतर्गत लहसुन खाली की गई थी, जिससे किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुना लाइन के आउटटॉप जो भी एरिया है, चुना लाइन के बाहर आप लहसुन खाली ना कीजिएगा। इस प्रकार की आवक हाल फिलहाल में हमें फील्ड के अंतर्गत आज की देखने को मिल रही है। ये इस प्रकार की पुरानी लहसुन की आवक है दोस्तों आज की, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान कर रहा हूँ। सीमित आवक है, लगभग कल जैसी आवक पुरानी लहसुन के अंतर्गत हमें देखने को मिली है। ये इस प्रकार की आवक है दोस्तों आज की नई लहसुन के अंतर्गत। और आगे की ओर ले चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार की आवक और भी हमें देखने को आज की नई लहसुन के अंतर्गत हमें मिल रही है। ये पूरा फील्ड साइड है, इसके अंतर्गत हाल फिलहाल में ये लगभग कल जैसी आवक हो चुकी है दोस्तों, जो कि स्थिति में आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप सभी किसान भाई देख पाएंगे, ये पूरी रिपोर्ट है। आगे भी एक फील्ड साइड है, उसके अंतर्गत भी आवक हमें देखने को मिली है। लगभग 4000 के क्रॉस आवक आज मंडी के अंदर देखने को मिली है। लगभग 4000, इससे थोड़ा अनुमानित ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग आपको अनुमानित स्थिति बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप यहाँ की जानकारी के अनुसार देख पा रहे हैं। सुबह की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आज लास्ट मंडी चालू है, कल रविवार मंडी का अवकाश रहेगा, ये आप सभी किसान भाइयों को बताइए। बाकी दोस्तों मैं आपसे निवेदन वही करूंगा कि खासकर जो चुना लाइन है एरिया आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके माध्यम से कंफर्म करके, ताकि उसका ध्यान आप अवश्य दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको रिलामी कार्य की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यह ध्यान दें, इस प्रकार की चुना लाइन के एरिया के अंतर्गत आप लहसुन ना खाली कीजिएगा। चारों तरफ प्रशासन ने चुना लाइन का विशेष ध्यान दिया दोस्तों, तो उसका ध्यान आप सभी किसान भाई भी दिए, ताकि आपको रिलामी से असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यह आवक आज की हमें देखने को मिली है। पसंद आई जानकारी तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक लाइक करने में आप सभी किसान भाई कंजूसी ना कीजिएगा। काफी ठंडा मौसम है, इस ठंडे मौसम में भी आपको सवेरे आवकों की रिपोर्ट हम प्रदान करते हैं दोस्तों, तो प्लीज निवेदन मेरा आप सभी किसान भाई से रहेगा कि प्लीज एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी किसान भाई ऐसे ही रोजाना की दलदा मंडी की जानकारी प्राप्त कर सकें। ये पूर्ण है आवकों की रिपोर्ट आज की।